हेलो एंड वेलकम टू डेवू इंडिया। मेरा नाम है राज और आज हम देखने वाले हैं सेंसी किस तरह से सेटअप करते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पे एक 55 इंच टीवी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सेंसी किस तरह से सेटअप करते हैं। तो चलिए इससे पहले सेटअप करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप टीवी ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का होम स्क्रीन आपको दिखाई देगा। होम स्क्रीन में आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब इनपुट्स है, जैसे HDMI 1, 2, 3, AV, एंटीना और इस तरह से इनपुट है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे टीवी गाइड वगैरह, इसमें कौन कौन से ऐप्स है जो इंस्टॉल आते हैं, वो ऐप्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे टिप्स है, नीचे सेटिंग्स है, सेटिंग में आप सेट टॉप बॉक्स सेटिंग, एंड्रॉयड सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, एलेक्सा और गूगल होम सेटिंग का यहाँ पे सेटिंग करने को ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपके चैनल्स के शॉर्टकट्स होते हैं, आपके जो फेवरेट्स आप शोज़ देखते हैं, जैसे AI बेस्ड टीवी है तो AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आप जो भी सर्च करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये शॉर्ट लिस्ट करके दिखाता है। सभी ऐप्स जो आपके हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये शॉर्ट लिस्टेड यूट्यूब से या हॉटस्टार से, नेटफ्लिक्स से, जो भी लाइव है या करंट में चल रहा है वो एपिसोड्स आपको होम स्क्रीन पे ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप बॉटम में जाते, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखाई देता है, सेंसी टीवी। तो यहाँ से पता चलता है कि ये सेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे टीवी चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेंसी कैसे सेटअप करते हैं, सेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो सेंसी सेटअप करने के लिए आपको जैसे IR ब्लास्टर है, इसका बेनिफिट होता है कि आप सिंगल रिमोट से ही आपका टीवी ऑपरेट कर सकते हैं और सेट टॉप बॉक्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का सेट टॉप बॉक्स हो, यानी कि टाटा हो या एयरटेल, वीडियोकॉन या कोई भी लोकल केबल ऑपरेटर हो, उसका भी सेट टॉप बॉक्स आप इसी एक टीवी के रिमोट से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिया जाता है IR ब्लास्टर, और ये IR ब्लास्टर किस तरह से सेटअप करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये सेंसी जो IR ब्लास्टर है, इसे आपको USB में लगाना है टीवी के पीछे, और इस तरह का यहाँ पे जो ऑप्शन है एंड में, ये ब्लास्टर है, इसे आपको सेट टॉप बॉक्स के ऊपर सेट करना है। वो मैं आपको दिखा दूंगा सेट टॉप बॉक्स के ऊपर किस तरह से इसे पेस्ट करते, यानी कि चिपका देते इसे। तो चलिए इसे मैं टीवी के पीछे लगा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स है मेरा, और उसके ऊपर मैंने ये IR ब्लास्टर स्टिक किया है। तो इस तरह से आप इसे IR ब्लास्टर को स्टिक कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेंसी का जो IR ब्लास्टर है उसे पीछे कनेक्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे आप तीन ऑप्शन देख सकते हैं, एक वाईफाई का आता है, दूसरा IR ब्लास्टर और तीसरा सेट टॉप बॉक्स। ये जब तीनों हाईलाइट हो जाएंगे तभी आपका सेंसी पूरी तरह से सेटअप हो गया है। तो ये पहले हाईलाइट हो रहा है क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया है, दूसरा मैंने IR ब्लास्टर अभी लगाया है। तो इसे देखते पहले कैसे सेटअप करना है। तो ये एंड्रॉयड सेटिंग में हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड्रॉयड सेटिंग में आने के बाद नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में आपको वायरलेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो भी इंटरनेट है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने अभी इंटरनेट कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेट करना है मुझे IR ब्लास्टर का। तो मैंने IR ब्लास्टर लगाया था तो ये दूसरा हाईलाइट हो गया, ये दो हाईलाइट हो गया, अब ये तीसरा हाईलाइट होना बाकी है। तीसरा होता है आपका सेट टॉप बॉक्स को इसके साथ कनेक्ट करना। तो इसके लिए IR ब्लास्टर को मैंने टीवी के ऊपर लगा देना है, जो आपका सेट टॉप बॉक्स होता है उसके ऊपर लगा देना है। और इसके बाद आपको जो है सिलेक्ट करना है आपका कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं सेट टॉप बॉक्स कौन से ब्रांड का है। तो सेट टॉप बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे कौन से इनपुट में आपने टीवी लगाया, मैंने HDMI 1 में लगाया है तो HDMI 1 करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने HDMI 1 में मेरा सेट टॉप बॉक्स लगाया है। तो इसके बाद नेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना है मेरा कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, केबल कौन सा मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाटा स्काई यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाटा स्काई को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने टाटा स्काई है मेरा, तो मैंने टाटा स्काई को सिलेक्ट कर लिया मैं कौन सा सेट टॉप बॉक्स यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे रिमोट्स में, मैं ऑल रिमोट्स टाटा स्काई के दो रिमोट आते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे दो रिमोट मैं सेट कर लिए। नेक्स्ट मेरे को लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर लैंग्वेज, तो मेरा लैंग्वेज मैं इंग्लिश सेट करता हूँ यहाँ पे। और इस तरह से आपका ये पूरा सेटअप हो गया आपके सेट टॉप बॉक्स का। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों जो सिंबल है वो हाईलाइटेड हो गए, मतलब जो पहला वाला था हाईलाइट करना वाईफाई, मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, दूसरा मैंने इसमें ब्लास्टर जो है होता है IR ब्लास्टर उसको सेटअप कर लिया, और तीसरा जो होता है मैंने केबल जो अपना सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका रिमोट सेटअप कर लिया। तो इस वजह से ये तीनों हाईलाइट हो रहे। इसके अलावा अगर आपको
वॉइस कमांड के लिए एलेक्सा या फिर गूगल होम से कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, यहाँ से आप एलेक्सा या गूगल होम पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए एलेक्सा के, तो एलेक्सा या गूगल होम पे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए गए, यहाँ पे 3 स्टेप्स है। इस तरह से आप एलेक्सा पे या गूगल होम स्पीकर पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे OTP एंटर करना होता है आपके टीवी का, वो OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद आपका ये एलेक्सा के साथ पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से सेंसी हमने अभी पूरी तरह से सेटअप कर लिया है। मैंने वाईफाई, IR ब्लास्टर और आपका जो रिमोट होता है वो यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे HDMI में, तो यहाँ से मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैंने अपने केबल का रिमोट या अपने सेट टॉप बॉक्स का रिमोट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ये बेसिकली आपके सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है। यहाँ पे शॉर्टकट से आपके चैनल्स के नाम भी यहीं पे आते हैं। कोई मैन्युअली चैनल चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर इस रिमोट से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सब टीवी चैनल चालू है। सब टीवी अगर मुझे चेंज करना है, इसको समझो TV9 मराठी, इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है और आपको जो भी है वॉइस कमांड देना है TV9 मराठी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से चैनल चेंज हो जाता है, TV9 मराठी आ गए यहाँ पे। तो इस तरह से वॉइस कमांड दे के आप टीवी के चैनल्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टीवी के चैनल चेंज करने या फिर कोई ऐप चालू करना है उसके लिए वॉइस कमांड का ऑप्शन है। इस तरह से आप सेंसी पे सेटअप कर सकते हैं और आप सेंसी रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमने सेंसी में दिखाया आपको किस तरह से सेटअप करना है। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से ऐप्स इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्काई है, टाटा स्काई का मेरा सेट टॉप बॉक्स है। यहाँ पे टीवी गाइड है, स्मार्ट रिमोट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एप्टॉइड टीवी जो है या फिर गूगल प्ले स्टोर होगा या फिर ऐप स्टोर होगा। तो यहाँ पे एप्टॉइड टीवी दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीवी स्टोर भी है। तो ये टीवी स्टोर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे नाम डाल के आप इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हंगामा, ट्विटर या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सोनी लिव या बहुत सारे ऐप्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऐप्स डाउनलोड किए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐप्स को वन बाय वन ओपन करके। तो सबसे पहले मैं आपको Z5 ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे सामने यहाँ पे Z5 ओपन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी इसमें से कोई भी शो आप प्ले कर सकते हैं किसी भी तरह से। यहाँ पे चैनल्स वगैरह दिखाई देते हैं, ये सब प्रीमियम मेंबरशिप का दिखाई दे रहा है। इसमें फ्री कंटेंट भी होता है तो आप फ्री कंटेंट भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हॉटस्टार ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉटस्टार ओपन हो गया, हॉटस्टार ऐप। यहाँ पे आप क्रिकेट मैच बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं या जो भी स्टार्स के प्रोग्राम्स या मूवीज आते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐप आपको सोनी लिव दिखाते हैं, ये सोनी का ऐप है सोनी लिव। तो यहाँ से भी आप शोज एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे ये कपिल शर्मा शो है, मैं प्ले करता हूँ। तो इस तरह से आप सोनी लिव को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऐप देखते हैं। तो ये है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आप इस तरह से यहाँ पे सेंसी टीवी पे यूज कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन पे जाना होगा ऊपर, और यहाँ से आपको आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मीडिया प्ले करना है आपके पेन ड्राइव से, मल्टीमीडिया प्ले करना है, कोई मूवीज या सॉन्ग्स वगैरह इमेजेस प्ले करने हैं तो आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ। तो चलिए इस पेन ड्राइव को पहले माउंट कर देते हैं। तो हमने पेन ड्राइव यहाँ पे टीवी के पीछे लगा दिया। आपको उसके बाद होम बटन दबाना है। होम बटन दबाने के होम के ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया करके। देखिए ये मीडिया सेंटर है। मीडिया सेंटर में जाने के बाद आपको USB सिलेक्ट करना है।
और USB में आपका जो भी आपको वीडियो प्ले करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से सेंसी को सेटअप किया जाता है आपके टीवी के ऊपर। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से ये तीन सिंबल होते हैं जिसमें वाईफाई कनेक्ट होता है, नेक्स्ट आपका जो IR ब्लास्टर होता है, और तीसरा ऑप्शन आपका रिमोट का पेयरिंग होता है। तो ये तीनों हाईलाइट जब होंगे तभी आपका ये सेंसी रिमोट वर्क करेगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।